नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीराडाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेस मशीन काम कैसे करती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, मुझे ये भरोसा है, और इसी भरोसे के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिखें कि हमें इस टाइप के और वीडियो दे, तो मैं कोशिश करूंगा इसके पार्ट 2 पार्ट 3 इस टाइप से आगे बना पाऊं। तो देखते हैं किस टाइप से ये मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, और ये प्रेस मशीन कैसे काम करती है। छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अभी वो कमियां मैं पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। देखिए, एक छोटा सा ये मैंने वीडियो बनाया है और इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक मैंने सिलेंडर लिया है, ये पाइपलाइन है, ये एक वाल लिया है मैंने, जो वाल के सिंबल होते हैं, मैंने सिंबल से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि अक्सर वाल तो एक जैसे दिखने में सारे एक जैसे नजर आते हैं, साइज में एक जैसे नजर आते हैं, बट उनके सिंबल्स हमेशा अलग अलग होते हैं। तो सिंबल्स जिनको पढ़ना आ जाएगा या सिंबल्स को जो समझ लेगा मेरे वीडियो के जरिए, मैं अलग अलग टाइप के वाल के जो सिंबल होते हैं, स्पूल टाइप जिसको बोलते हैं हम, 12 12 टाइप के कम से कम होते हैं स्पूल टाइप, तो उस टाइप से मैं स्पूल लगा लगा के एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आगे। तो अभी जो है मैंने स्टार्ट किया है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एक प्रेस मशीन के ऊपर, की प्रेस मशीन कैसे काम करती है। अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर या पार्ट 3 में या पार्ट 4 में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर रिलीफ वाल्व लगना बाकी है, फ्लो कंट्रोल लगने बाकी है, काउंटर बैलेंस वाल्व लगना बाकी है, और हीट एक्सचेंजर और रिटर्न लाइन फिल्टर भी लगना बाकी है। तो ये सब चीजें मैं कंप्लीट करूंगा पार्ट 2 में। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ एनिमेशन में किस तरीके से मैंने एनिमेटेड किया है इसको, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर आप जो है लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूले, एक दूसरे को ज्ञान देते रहे, बताते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये मैंने टैंक लिया है जिसके अंदर मैंने फिल्टर दिखाया है, ये पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है। अभी हम इसको मोटर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पुश बटन दिया है डाउन का, और ये आपका, और यहाँ पे एक वजन लटक रहा है, इसके ऊपर वेट है, यानी ये हमारी डाई लगी हुई है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से मैंने दिखाया है। देखिए, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको। देखिए, इस तरीके से जब हमारा न्यूट्रल कंडीशन में हम पंप को ऑन करते हैं, ओनली हमने मोटर को ऑन किया है, अभी मोटर को ऑन करते हैं, तो होता क्या है कि ऑयल जो है फिल्टर के जरिए पंप उठा करके और हमारी वाल के अंदर भेजता है। ये मैंने जो P2T वाल लिया है, P2T वाल अभी मैंने नामकरण नहीं किया है, यहाँ पे नंबर्स नहीं डाले हैं, कोड नंबर नहीं डाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। P2T आपको हमेशा यही चीजें ध्यान रखनी है, सेंटर पोजिशन क्या है। ये जो वाल है 3 पोजिशन का वाल है, 4 पोर्ट लगे हैं, PTAB, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है पंप सीधा सीधा इसको वाल के अंदर आ रहा है और आ करके वापस टैंक में चला जा रहा है, क्योंकि P2T कनेक्टेड थी, तो सीधा पंप से ऑयल आया, टैंक में चला गया, इसलिए P2T बोलते हैं। ए और बी लाइन हमारी जो है वो आपकी सिलेंडर को जा रही है। अभी हम देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। अभी मैं डाउन का बटन दबाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कैसे काम करेगा। देखिए, डाउन का बटन दबाया मैंने, तो देखिए किस तरीके से ये नीचे आ रहा है, और ये लाइन आपकी टैंक की लाइन बन गई, ये वाली जो पंप से आ रही वो इसके अंदर जुड़ गई, क्योंकि पोजिशन चेंज हो गई है, इसी को बोलते हैं। अभी आपकी थर्ड पोजिशन आ गई यहाँ पे, अभी फर्स्ट पोजिशन लाएंगे हम, उससे पहले ये न्यूट्रल में जाएगा। देखिए, अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में चला गया है, न्यूट्रल कंडीशन में कैसे चल रहा है, नॉर्मल वैसे ही चलने लग गया, ये डाउन आकर के बैठ गया है। अभी आपको प्रेस मशीन को ऊपर करना है, अगर ऊपर करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे ही मैं अप का बटन दबाऊंगा तो क्या होता है, अप का बटन मैंने दबाया, देखिए पोजिशन चेंज होगी, सबसे पहले पोजिशन चेंज होते ही वाल्व की, और ये ऊपर के लिए देखिए ये वाली लाइन आपकी पंप की लाइन बन गई अब, और ये ऊपर चला गया और ऊपर की लाइन आपकी टैंक के साथ जुड़ गई है, ये प्रेस मशीन ऊपर हो गई। मैं एक बार फिर से आपको पीछे ले जा करके इसको दिखाता हूं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूट्रल कंडीशन में किस तरीके से आपका पंप जो है
ऑयल उठा करके वापस टैंक में भेजता रहता है, और सक्शन फिल्टर से सक्शन होकर के आपका ऑयल जो है टैंक में ही चल रहा चला जा रहा है। लेकिन जब हम डाउन की कमांड देते हैं तो सबसे पहले वाल्व की पोजीशन चेंज हो रही है, वाल्व की पोजीशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। पहले सेंटर पोजीशन थी 2 नंबर पोजीशन, अभी देखिए डाउन आ गया। तो आपको ये चीज देखना है कि वाल्व करता क्या है, वाल्व डायरेक्शन चेंज करता है किसकी, ऑयल की, इसलिए इसका नाम डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है। और ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक बार देखिए ये आपकी प्रेशर लाइन बन गई, ये टैंक लाइन बन गई। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे न्यूट्रल आ जाएगा, यानी हमने बंद कर दिया डाउन की कमांड को। अब अप की कमांड देते हैं तो क्या होता है, देखिए अप की कमांड दी हमने, अप की कमांड देते ही आपका ये ऊपर उठना शुरू हो गया, जो पहले आपका टैंक लाइन था वो प्रेशर लाइन हो गया और ऊपर वाला जो है टैंक लाइन हो गया। इस तरीके से अपना ये चलता रहेगा, और ठीक इसी तरीके से आपका ये चलता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये पसंद आता है मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको दूसरा पार्ट भी मिलेगा, लेकिन दूसरा पार्ट आप देख सकेंगे 299 रुपए का। अगर मेरा चैनल आप ज्वाइन करते हो 1 महीने के लिए तो आप उस पर आप देख सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें 60 क्लासेस है, 60 से ऊपर क्लासेस मिलेगा आपको, तो 1199 में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 1199 में ज्वाइन करते हैं तो पूरा आइडली कोर्स आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आज के लिए मेरा इतना ही वीडियो था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो आप कृपया करके जिनको ज्वाइन नहीं करना है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको पसंद आया है वो लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें, अपने तक ही नॉलेज को सीमित ना रखें, शेयर जरूर करें। मेरे को उससे ही आपसे बेनिफिट हो जाएगा, और ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट और ज्यादा होगा। धन्यवाद।